गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में हमारी जो फोर्थ यूनिट है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र इकाई फोर्थ, इकाई का नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र टॉपिक में, आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व गांधी जी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों में से यह है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है खिलाफत आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व। ये जो आंदोलन चलाए गए इनमें गांधी जी का यह मानना था कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, जो नौकरियां दी हुई है सरकारी उनका त्याग करना है। यानी ये जो सबसे पहले ये जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया यह 23 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। यानी जब पंजाब में बहुत अत्याचार होने लगे तथा उन्हीं अत्याचारों के कारण बढ़ता रोष अंग्रेजों के विरुद्ध उग्र रूप धारण कर चुका था। इधर युद्ध के बाद ब्रिटेन, यानी जब विश्व युद्ध जो हुए थे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ तुर्की के सुल्तान के एशियाई प्रदेशों को आपस में बांट लिया, जिसमें नाम मात्र का सुल्तान रह गया। तुर्की का जो सुल्तान था उसने एशियाई के जो क्षेत्र थे उनको बांट लिया और जिसमें वह केवल नाम मात्र का सुल्तान रह गया था। खिलाफत आंदोलन के पीछे, परंतु जब भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई तो उस शुरुआत करने के पीछे कुछ कारण रहे हैं। आंदोलन के पीछे सरकार के प्रति विद्रोह की भावना, जिसके अनुसार विधान परिषदों, सरकारी अदालतों, कॉलेजों, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और विदेशी माल का बहिष्कार करना तथा सरकार ने तेजी से बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए उनकी जो दमनकारी नीतियां थी उसको आरंभ कर दिया। अब सरकार जो है, विदेशी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या किया कि भारतीय जो लोग थे उन पर लाठीचार्ज करना, मारपीट करना, गोलियां बरसाना एक उनके लिए रोज का काम हो गया था और वह भारतीय जनता पर दिन ब दिन अत्याचार उनका बढ़ रहा था। अब नेताओं का धरपकड़ प्रारंभ हो गया। एक वर्ष के भीतर लगभग 30,000 लोग जेल गए। इस समय इस खिलाफत आंदोलन में एक वर्ष में कितने लोग गए? 30,000 लोग जो कि जेल गए। अब ये जब जेल जा चुके थे तो ये लोग पुलिस जेल जाना, अपने अदालतों से, जेल से बिना डरे, मतलब इनका डर खत्म हो गया था। ऐसा लगता था कि स्वराज्य की प्राप्ति दूर नहीं है। खिलाफत आंदोलन द्वारा स्वराज्य प्राप्ति न हो सकी,
क्योंकि कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण यह असहयोग अपने खिलाफत आंदोलन जो है वह असफल हो गया और स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सके, किंतु इससे स्वराज्य के लिए संघर्ष का संदेश देश के कोने कोने में फैल गया। अब हर व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता था कि हमें स्वराज्य की प्राप्ति करनी है। लोगों के हृदय में पुलिस है, न्यायालय है, जेल है, इन सब का डर दूर हो गया था क्योंकि लोग पहले जेल जाकर आ गए। साथ ही गांधी के उच्च चरित्र सत्य अहिंसा की भावना ने लोगों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवश्यक नैतिक विकास विकसित किए। तो इस प्रकार ये जो असहयोग आंदोलन अपने सॉरी खिलाफत आंदोलन जो था वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण जो योगदान रहा इसका, क्योंकि इसी के जरिए खिलाफत आंदोलन के जरिए लोगों में अपने भारत देश को प्राप्त करने की स्वतंत्र करवाने की एक उग्र रूप से उनमें इच्छा हुई, धारणा हुई, जिसके चलते हुए इन्होंने कई आंदोलन किए। इसके बाद आता है दूसरा जो है वह है असहयोग आंदोलन। यानी इसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि भारतीय लोग जो है वह ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग नहीं करेगा। ये जो आंदोलन चलाया गया 1 अगस्त, इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी 1 अगस्त 1920 को। कब हुई? 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन चलाया गया भारत अपने ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार के लिए। इस आंदोलन की शुरुआत की गई, इसके लिए विधान परिषद, सरकारी आंदोलनों, सरकारी स्कूलों, स्थानीय स्वशासन और विदेशी सामान का बहिष्कार करने का निर्धारण किया गया। इस आंदोलन में यह कहा गया कि भारतीय जो लोग हैं वह सरकारी जो आंदोलन है, स्कूल है, कॉलेज है, स्थानीय जो स्वशासन है और विदेशी से जितना सामान आ रहा है उसका बहिष्कार करेंगे, यानी स्वदेशी अपनाएंगे। इस आंदोलन का सूत्रपात गांधी ने सरकार से प्राप्त पदक, सरकार ने उनको केसर हिंद सरकार द्वारा, यानी अंग्रेजी सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको केसर ए हिंद जो पद दिया हुआ था उस पद को उन्होंने त्याग कर वापस कर दिया। और इसी के चलते हुए इससे प्रेरित होकर कई लोग जो कि सरकारी कामकाज में लगे हुए थे, नौकरियां कर रहे थे, उन नौकरियों को छोड़ दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों ने सरकारी काम छोड़ दिया। तो इस प्रकार जो है गांधी जी के एक द हिंद का एक ही पद अपने पद वापस देने से भारतीय लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा और विदेशी वस्त्रों की ओली जलाई गई। इस समय इसमें असहयोग आंदोलन में विदेशी जो वस्त्र थे उनकी होली जलाई गई। इसी आंदोलन के समय जो चोरा चोरी कांड के कारण गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। यानी जब ये असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उस समय ये चोरा चोरी नामक कांड हुआ, तो उसी कांड को देखते हुए जहां पर अंग्रेजों ने जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वहां पर गोलियां बरसाई, जिसी को देखते हुए गांधी जी ने ये जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसका परिणाम यह निकला कि वापस इन्होंने ले तो लिया पर उसका परिणाम यह निकला कि भारतीय जो लोग थे उन भारतीय लोगों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो इच्छा है वो और तेज हो गई। अब वह ये चाहते थे कि अंग्रेजों को या ब्रिटिश हुकूमत को भारत से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, जिसके लिए इसके बाद भी असहयोग आंदोलन के बाद भी कई ऐसे आंदोलन हुए जिसके चलते हुए हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब है आपका आज का गृह कार्य।
खिलाफत व असहयोग आंदोलन के प्रभाव को समझाइए। धन्यवाद। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो टाइम चल रहा है वह कोरोना जैसी भयंकर महामारी का चल रहा है तथा देश में यह बीमारी अत्यधिक रूप से फैल रही है, इसलिए हमें कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। उन्हीं उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए। तो इस प्रकार इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं और निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।